हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट लेसन महाराष्ट्र बोर्ड 10th क्लास, ठीक है, जिसका नाम क्या है, फर्स्ट चैप्टर का ग्रेविटेशन। प्रीवियस वीडियोस में दोस्तों हम लोगों ने ये जो सीरीज़ है ग्रेविटेशन की, वो पूरा चैप्टर हम लोगों ने हर टॉपिक जो थियोरेटिकल पार्ट है कंप्लीट कर लिया है। कुछ जो सम प्रॉब्लम है, सॉल्व प्रॉब्लम्स रह गए और अनसॉल्व हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं। अनसॉल्व के बाद हम लोग जो सॉल्व प्रॉब्लम रह गए, वो भी सभी एग्जाम्पल्स हम लोग कवर करेंगे दोस्तों। तो चलिए आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर हम लोगों ने एग्जाम्पल लिख रखा है, तो यहाँ पर देखो क्या बोला है, एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड, ठीक है, टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर ऑन अ प्लैनेट, ठीक है। तो यहाँ पर कोई एक प्लैनेट है दोस्तों, और ठीक है, प्लैनेट है मीन्स ये ग्राउंड है। यहाँ पर हमने बोल दिया यहाँ पर क्या है, ग्राउंड है। एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकेंड, ठीक है, तो यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई क्या है, एक ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, 5 सेकेंड लेता है, ये ऑब्जेक्ट लेता है 5 सेकेंड कहाँ पर आने के लिए, यहाँ पर ग्राउंड पे आने के लिए, ठीक है। यहाँ पर ग्राउंड पे आने के लिए ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, 5 सेकेंड लेता है, ठीक है। क्या बोला है हमें, एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड। ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना लेता है टाइम, हमें टाइम लेता है वो 5 सेकेंड, ठीक है। टाइम कितना लेता है, 5 सेकेंड लेता है। ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट हमें दी है दोस्तों, ये हम लोग थोड़ा नीचे और कर लेते हैं, देखो। तो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट दी है हमें, ये जो हाइट हमें दी है, ये जो हाइट हमें दी है वो कितनी हाइट दी है हमें, 5 मीटर दी हुई है। ये हाइट हमें 5 मीटर दी है, और वो कितना सेकेंड लेता है, 5 सेकेंड लेता है। कितना लेता है दोस्तों, 5 सेकेंड वो यहाँ पर टाइमिंग लेता है ग्राउंड में। यहाँ से ये ऊपर से यहाँ तक ग्राउंड पर आने के लिए वो 5 सेकेंड लेता है, और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, इंटरवल 5 मीटर है, ठीक है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लैनेट, ठीक है। तो ये कोई प्लैनेट है, ये प्लैनेट का अर्थ, प्लैनेट का ये सरफेस है, ग्राउंड है जो कि हमने यहाँ पर लिख रखा है, ये ग्राउंड है। और ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर है, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना लेता है, 5 सेकेंड लेता है। तो दोस्तों हमें पूछा है कि जी की वैल्यू कितनी होगी, जैसा कि आप लोग देख रहे होगे यहाँ पर पूछा है हमें जी की वैल्यू कितनी है। तो दोस्तों न्यूमेरिकल सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स होते हैं, तो 2 टाइम न्यूमेरिकल रीड करने के बाद फिर क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पर गिवन लिख लेना चाहिए कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, वहाँ पर दिया क्या है और फाइंड क्या करना है। तो सबसे पहले हमने गिवन लिख लिया कि टी कितना है, 5 सेकेंड है, जैसा कि आपने देखा। उसके बाद जो हाइट है, हाइट कितना बोला है, देखो हाइट कितना है, 5 मीटर है, ठीक है, हाइट 5 मीटर है। और दोस्तों यहाँ पर हाइट का मीन क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ये हाइट का मीन क्या है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है। तो एस, ये एस है, एस इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू 5 मीटर। और हमें यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, जी का जो वैल्यू है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये क्या करना है, यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है। जो भी पर्टिकुलर प्लैनेट है यहाँ पर, उसका नाम मेंशन नहीं किया हुआ है क्वेश्चन में, तो कोई भी एक पर्टिकुलर प्लैनेट है वहाँ पर ग्रेविटी कितनी होने वाली है, अगर कोई ऑब्जेक्ट 5 सेकेंड में 5 मीटर डिस्टेंस क्या करता है, कवर करता है ग्राउंड तक, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए 5 मीटर डिस्टेंस कवर करता है 5 सेकेंड में, तो वहाँ पर ग्रेविटी कितनी होने वाली है, वो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों देखो, ग्रेविटी कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ फॉर्मूलेस हो सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि जो हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ये 2 फाइंड है, ठीक है, हमें जी फाइंड आउट करना है, तो ये 2 फाइंड ये गिवन हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों इस स्टेप से कुछ, तो जी जो है फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ फार्मूले हो सकते हैं, जैसा कि एक फार्मूला ये है, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास अर्थ का मास होना चाहिए, ग्रेविटेशन होना चाहिए, यहाँ पर स्मॉल एम रहता है ऑब्जेक्ट का मास, रेडियस, तब जी फाइंड। लेकिन यहाँ पर हमें ना अर्थ का मास दिया है, यहाँ पर हमें मेंशन भी नहीं किया है कि ये जो प्लैनेट है वो अर्थ है, ठीक है, तो मास और रेडियस की बात ही नहीं आती है, ठीक है। तो ये फार्मूला यहाँ पर यूज़ होने वाला नहीं है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करने वाले हैं न्यूटन्स काइनेमेटिकल इक्वेशन को। किसको यूज़ करने वाले हैं, न्यूटन्स काइनेमेटिकल इक्वेशन को। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि यूजिंग न्यूटन्स काइनेमेटिकल इक्वेशन, ठीक है, क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, यूजिंग न्यूटन्स काइनेमेटिकल, या फिर बोलो यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो दोस्तों न्यूटन्स के 3 लॉ ऑफ मोशन होते हैं, जैसा कि यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहाँ पर वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ए क्या है, एक्सेलरेशन है, टी क्या है, टाइम है। तो सेकेंड है वो क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, जहाँ पर एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, टी क्या है, टाइम है, हाफ ए क्या है, एक्सेलरेशन है, टी क्या है, टाइम है। और जो थर्ड है वो क्या है, v का स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर प्लस 2as।
वी क्या है फाइनल वेलोसिटी, यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी, टू एक कांस्टेंट है, ए एक्सेलरेशन है और एस क्या है डिस्प्लेसमेंट है। तो दोस्तों जैसा कि देखा जाए हमें क्या फाइंड आउट करना है, जी। तो दोस्तों यहाँ पर जी तो है ही नहीं किसी भी इक्वेशन में, अगर आप यहाँ पर देखो कॉन्सेंट्रेट करो तो यहाँ पर जी किसी भी इक्वेशन में आपको मिलता नहीं है। तो दोस्तों आएगा कहाँ से जी, तो जैसा कि आप देखो एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी होती है वो कहाँ पर होती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है। कहाँ पर होती है दोस्तों, डाउनवर्ड होती है, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो जी नीचे जो ऑब्जेक्ट आ रहा है ऊपर से वो भी कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, मीन्स उसकी एक्सेलरेशन भी कहाँ है, नीचे, और दोनों पैरेलल ही हो गए। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर देयर फॉर ए इज इक्वल टू क्या होगा, जी। यहाँ पर क्या होने वाला है दोस्तों, ए इज इक्वल टू जी होने वाला है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हम ए को जी से रिप्लेस कर देंगे तो हो तो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें भी हमें देखनी पड़ेगी दोस्तों। तो यहाँ पर एक और केस आता है कंसेप्ट का पार्ट क्या, तो जैसे दोस्तों आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर हम ए के जगह पे तो जी रख लेंगे क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है, ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है और जो ऑब्जेक्ट है ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है तो वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होने वाला है। इसके लिए हम यहाँ पर ए के जगह पे क्या लेने वाले, ए इज इक्वल टू जी लेने वाले क्योंकि दोनों पैरेलल ही है और दोनों सेम डायरेक्शन में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इक्वेशन क्या यूज़ करेंगे, हम लोग एक केस और डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो नीचे आ रहा है, ये ऐसा ही कुछ सिमिलर केस है, तो ये नीचे आ रहा है लेकिन स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी यू कितनी होने वाली है, इनिशियल वेलोसिटी दोस्तों जीरो होने वाली है। तो यहाँ पर आपके पास गिवन में एक और क्वांटिटी होने वाला है क्या, यू इज इक्वल टू जीरो होने वाला है और ए इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होने वाला है, जी होने वाला है, ठीक है। तो ये भी केस हम लोग डिस्कस करके लेंगे। लेकिन दोस्तों देखो यहाँ पर यू जीरो हो जा रहा है, वी हमारे पास तो है नहीं, ठीक है, ये ए हमें जी यहाँ पर आ जाएगा, टाइम हमारे पास है लेकिन वी तो हमारे पास है नहीं, मीन्स ये फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले नहीं, ठीक है। इस केसेस में देखो दोस्तों हम लोग यहाँ पर अभी वी नहीं है हमारे पास, तो एक फॉर्मूला भी नहीं यूज़ करेंगे, मीन्स दोस्तों ये फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले, ये भी चेक कर लेते हैं। एस मीन्स एच है यहाँ पर, हम लोगों ने लिख रखा है तो ये यूज़ कर लेंगे हम। यू जीरो है तो ये पूरी क्वांटिटी जीरो, ए की जगह पे क्या आएगा, जी आ जाएगा, जी निकालना है हमें और टी हमें पता है, तो हमें सेकेंड फार्मूला क्या करना है यहाँ पर दोस्तों, यूज़ करना है। तो हमारे काम का यहाँ पर क्या है, सेकेंड फार्मूला है। तो चलो दोस्तों हम लोग आइए यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे क्या सॉल्व होने वाला है। तो देखो सेकेंड जो हम लोग बोलेंगे कि यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, तो या फिर अभी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हमने यहाँ पर लिखा तो हम लोग यहाँ पर ये लिख लेंगे क्योंकि सेकेंड यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो चेक कर रहे थे वो, तो हम लोग बोल देंगे यूजिंग न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ये क्या है, सेकेंड लॉ है दोस्तों, सेकेंड लॉ है। तो चलो इसको डिस्कस करते हैं। तो देखो एस जो है हमें पता है कितना है, 5 मीटर है, तो यहाँ पर एस के जगह पे हमने लिख दिया 5 मीटर, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। एस के जगह इक्वल टू के जगह पे हम लोग क्या ले रहे हैं, ठीक है, इक्वल टू ले लिया हमने। यू हमारे पास क्या है, जीरो है दोस्तों, देखो यहाँ पर हमने लिख रखा है, तो यू जीरो इंटू क्या है, टी, तो ये हम लोगों ने लिखा। फिर यहाँ पर देखो प्लस जगह पे हमने फाइव रखा, यू कितनी है, जीरो है, देखो हमने यहाँ पर रखा और बाजू में टी है तो इंटू टी। फिर प्लस है, प्लस हाफ का हाफ लिखेंगे हम लोग 1/2, ए के जगह पे क्या आ रहा है, जी, तो यहाँ पर जी ले लिया हमने। और ये टी का स्क्वायर, तो टी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, टी की वैल्यू 5, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो दोस्तों देखो यहाँ पर 5, 0 इंटू टी क्या होने वाला है, 0 होने वाला है, ये हाफ जी, और 5 का स्क्वायर कितना होने वाला है, 25 होने वाला है। तो 0 प्लस एक इक्वेशन करोगे तो वही आने वाला है, जो भी नंबर है आगे का ये आने वाला है टर्म, तो हाफ जी इंटू कितना है यहाँ पर, 25 है, और यहाँ पर कितना है 5। तो दोस्तों ये 2 देखो यहाँ पर डिवाइड है जाके यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो हमें कितना मिलेगा, 5 × 2 इज इक्वल टू जी इंटू 25। तो 5 × 2 कितना होगा दोस्तों, 10 हो जाएगा, यहाँ पर जी है, इंटू 25। अब यहाँ पर 25 दोस्तों देख रहे हो आप, मल्टीप्लाई इधर, ये 25 मल्टीप्लाई था इधर जाके डिवाइड हुआ इसको, तो जी यहाँ पर इस साइड हमने लिख लिया, तो जी इज इक्वल टू 10/25। तो दोस्तों देखो हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कि 5 × 2 जा कितना होगा 10, और ठीक है 5 × 2 जा कितना होगा 10, और 5 × 5 जा कितना होगा 25। इसको दोस्तों ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 10 मीन्स क्या है 2 × 5, 25 मीन्स क्या है 5 × 5, तो 5 × 5 क्या हुआ, कैंसिल, आपके पास क्या रिमेनिंग रह गया, 2/5, ठीक है दोस्तों, क्या रह गया, 2/5 यहाँ पर रह गया, 2/5 हो गया। अब इसको ही आगे दोस्तों सॉल्व करोगे यहाँ पर आप, तो आपको क्या मिल जाएगा, g इज इक्वल टू, ठीक है, तो आपके पास आया है 2/5, तो आप 5 से 2 को डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, देखो 5 के टेबल में 2 तो आता नहीं, तो 0 ले लिया हमने, पॉइंट लगा दिया। अब ये 2 के साथ 0 आ जाएगा तो 20 बन जाएगा ये, तो 5 के टेबल में 20 आता है कितने टाइम में, 4 टाइम में। और जो जी है उसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, तो हम लोग क्या लिख देंगे, देयरफॉर
जी इज इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर जो बोला था कि वैल्यू ऑफ जी उस प्लैनेट पे कितनी होने वाली है अगर वो 5 मीटर का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कवर करता है 5 सेकेंड में, तो वो दोस्तों होने वाला है 0.4 मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों ये हम लोगों ने डिस्कस किया जो अनसॉल्व प्रॉब्लम है पेज नंबर 15 का महाराष्ट्र बोर्ड 10th क्लास का, ठीक है। ऐसे आने वाले वीडियोस में हम लोग बाकी प्रॉब्लम भी डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा वीडियो लगा कमेंट करके बताइए, और इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है, आप लोगों को कुछ भी कन्फ्यूजन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। और दोस्तों इस जो भी हम वीडियोज़ करते हैं टॉपिक्स के ऊपर उसके रिगार्डिंग में कुछ हम लोग पोस्ट यूट्यूब पर करते रहते हैं, तो वो आप लोग देखिए उसका आंसर क्या होगा। कुछ क्विज फॉर्म में हम लोग वहाँ पर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एमसीक्यू फॉर्म में होते हैं, और इंस्टा की जो आईडी है वो भी हम लोग यहाँ पर अभी देते हैं, ठीक है। तो इंस्टा की जो आईडी है यहाँ पर उसका नाम क्या है, @CURIOUS और ज्ञान GYAAN, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग नोट्स प्रोवाइड करते हैं, तो दोस्तों आप इसको भी फॉलोअप कर सकते हो नोट्स के लिए, रेगुलर नोट्स के लिए, ठीक है, यहाँ पर नोट्स देते हैं। और जो यूट्यूब पे पोस्ट हम लोग करते हैं रेगुलर क्विज फॉर्म में, क्वेश्चन फॉर्मेट में होते हैं, आप उसका कमेंट बॉक्स में आंसर पुट कर सकते हो, जिससे कि क्या होगा आपका कंसेप्ट क्लियर होने में और मदद मिल सकती है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, कैसा वीडियो लगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, चलो टाटा बाय बाय।